हेलो गाइस, चलिए आज बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। इस गर्मी में अगर ऐसा कुछ ठंडा सा खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। कस्टर्ड पाउडर भी हम बाहर से नहीं लेके आएंगे, कस्टर्ड पाउडर भी हम बनाएंगे आज घर में ही। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए हम ऐड कर लेंगे 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर, पाइनएप्पल एसेंस और पिंच ऑफ फूड कलर को कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। तो लीजिए, कस्टर्ड पाउडर हमारा बनके अब बिल्कुल रेडी है। हाफ कप मिल्क में इस पाउडर को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर में ही होना चाहिए। मिल्क हमारी बॉईल हो चुकी है अच्छे से, इसमें उबाल आ चुका है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको उबाल आने तक हम ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। उबाल आ चुकी है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। मिल्क हमारी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब फ्लेम को कर लेंगे हम ऑफ। अब कस्टर्ड के मिक्सचर को हम किसी बड़े से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। कस्टर्ड हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल प्यूरे। अब हम 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, ये दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। कंडेंस्ड मिल्क और क्रस्ट पाइनएप्पल बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, सोक्ड आलमंड, एप्पल। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं आप वो डाल दीजिए। मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, तो मैं ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट दोनों ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड हमारी रेडी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में रख लेंगे 1 आवर। अब हम इसको सर्व करेंगे ठंडा ठंडा। सर्व करने के टाइम भी हम गार्निश करेंगे इसे फ्रेश फ्रूट से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।